नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। धामपुर में भगत सिंह चौक पर बने द्वार की जर्जर हालत को देखते हुए विजय कुमार जैन ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। शिवसेना जिला प्रमुख नगर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धामपुर की गैर मौजूदगी में जेई जल हेमंत कुमार जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भगत सिंह चौक धामपुर पर बने गेट के जर्जर हालत में होने के संबंध में है, जिसमें विजय जैन जिला प्रमुख नगर ने मांग की है कि अवगत कराना है कि धामपुर नगर क्षेत्र में प्राचीन काल की मात्र धरोहर जो कि भगत सिंह चौक पर स्थित प्राचीन गेट है, वह आज की स्थिति में काफी जर्जर हालत में है, जिस पर काफी पेड़ लगे हुए हैं जो कि कभी भी गेट गिर सकता है, जिससे काफी बड़ी संख्या में जनहानि की भी संभावना बनी हुई है। अतः उस गेट को ठीक कराने की मांग की है, जिससे कोई बड़ी हानि ना हो पाए। ज्ञापन देने वालों में संयम जैन, विजय जैन, सागर अग्रवाल, सौरभ कटियान मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नाम मेरा विजय कुमार जैन है। आज धामपुर नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, मामला ये है, भगत सिंह चौक हमारे यहाँ धामपुर में है, भगत सिंह चौक पे एक गेट बना हुआ है, जर्जर हालत में है। इस टाइम बहुत पुराना गेट बना हुआ, हमारी आज से पहले गेट बना हुआ, जर्जर हालत में है, उस पर तमाम पेड़ उग गया है और वो किसी टाइम भी कोई ईंट लकौरी ईंट नीचे गिरती, किसी के चोट भी लग जाती है। हमारा निवेदन करना है कि वैसे इसको ठीक करा कर, क्योंकि एक ही पुरानी धरोहर है, इसको ठीक करा कर। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।